खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने के बाद सीधे वह खरगापुर निवास पर पहुंचे। वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्तालाप की और जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान विधायक ने जो भी उनके साथ घटनाक्रम घटित हुआ उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब हमें और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, जो गलत बयानबाजी विपक्ष के द्वारा की जा रही है वह पूरी झूठी है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता सब जानती है। जनता इसका जवाब विधानसभा 2023 के चुनाव में देगी। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के आशीर्वाद एवं ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला है। उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा है कि पूरे कार्यकर्ताओं को जोश के साथ अपने बूथ पर कार्य करना है और पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया है, जिससे आप सभी कार्यकर्ताओं एवं जनता के आशीर्वाद से आप लोग मुझे दोबारा विधायक चुन सके। उन्होंने कहा कि खरगापुर विधानसभा में लगातार ही विकास कार्य हो रहे हैं। इतने विकास कार्य पिछले 40 वर्षों में नहीं हुए हैं। इन विकास कार्यों को देखकर जनता एक बार और मुझे आशीर्वाद देगी। संभव काम तब हुआ संभव हो पाया। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए राम राजा सरकार, हनुमान जी महाराज की, विंध्यवासिनी माता की, दूध दही माता की। मेरे को जब यहाँ कार्यक्रम 7 तारीख को जो हाई कोर्ट से जो आदेश आया था उस समय यहीं पे थे हम लोग, तो मैंने सोचा जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है तो यहीं पर सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनको यहाँ बताया जाए कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया उस पर। और इस पूरे घटनाक्रम में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है और जो ये विपक्ष के लोग जो गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि दूसरा फार्म एक्सेप्ट हुआ, कोई फर्जी दस्तावेज लगाए, कुछ उन्होंने अपनी कोई सूचना छुपाई बताई नहीं, तो ये सब पूरी फर्जी बातें, ऐसा कोई घटना नहीं हुई। हमने पहला जो नॉमिनेशन फाइल किया था वही एक्सेप्ट किया था, हमने उसमें पूरी कंपनी के बारे में बताया था, सारी चीज़ें जो सही थी वही थी। पहला ही नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ था, दूसरा कोई नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ दूसरा नॉमिनेशन, और सारे कागज हमने सही तरीके से लगाए थे, कोई कमी नहीं थी हमारी तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने ये सही पाया और हमको तत्काल स्टे दिया और सभी कार्यकर्ता बहुत 7-8 दिन से बहुत हतोत्साहित थे, तो उन सबको यहाँ आज सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और सबको बताया, पूरी बातें बताई कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी। और अब सब लोगों ने पूरे जोश खरोश के साथ 2023 में होने वाले चुनाव की पूरी तैयारी के लिए आज भूगोल फूक गया है यहाँ से, और खरगापुर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता दोबारा से रिचार्ज हो गए हैं। अभी सारे 7 दिन में बहुत हतोत्साहित हो गए थे, लेकिन अब दोबारा रिचार्ज हो गए हैं। पूरे दमखम के साथ हम 2023 के चुनाव में विपक्ष को दिखा देंगे कि खरगापुर विधानसभा क्या चीज है। विपक्ष के द्वारा गलत संदेश भी दिया गया लोगों के बीच में कि नामांकन के दौरान गलत जानकारी भरी गई, गलत जानकारी छिपाई गई, ऐसा था क्या? विपक्ष ने पूरी गलत अफवाहें फैलाई, उनका काम ही है गलत अफवाह फैला के लोगों को भ्रमित करना। हमने तो पहला नॉमिनेशन फाइल किया था और पहला नॉमिनेशन ही एक्सेप्ट हुआ है, दूसरा नॉमिनेशन में भी यही लिखा था कि चूंकि इनका प्रथम नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ है इसलिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, और कोई भी चीज छुपाई नहीं है और सारी चीजें सही जानकारी भर के दी थी हमने, और मतलब हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी नॉमिनेशन फाइल करने के बीच में। और रिटर्निंग ऑफिसर को अधिकार रहता है कि नॉमिनेशन फाइल करना और स्क्रूटनी के बीच जो समय होता है उस समय जो भी पेपर के कमी हो वो पेपर लेके और पेपर जमा करके फॉर्म की पूर्ति की जाती है। सभी सरपंच के चुनाव